मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आऊँ फ्रेंड्स। वो किसका है? ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन सेशन होने वाला है फ्रेंड्स। आपको बस शुरू से लेके अंत तक बने रहना है फ्रेंड्स। आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी SSC CPSI 2023 के पूछे गए जबरदस्त और बेहतरीन सवाल हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं फ्रेंड्स, SSC CPSI में 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। अगर आपके CGL, CHSL, MTS की बात करते हैं तो प्री में देखिए फ्रेंड्स 1 से 2 क्वेश्चन, मेंस की बात करते हैं तो 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिलता है। क्लियर है? तो बस आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना फ्रेंड्स। मैं हमेशा बेस्ट अप्रोच के साथ आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के सफर का पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, आगामी जितने भी एग्जाम देने वाले हैं, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान देना। और देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 10 की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कभी भी टेन थीटा दिखे तो सीधा सीधा थीटा बराबर आपको क्या पुट कर देना है, 45 डिग्री। क्या पुट कर देंगे? 45 डिग्री पुट करेंगे। तो जैसे ही टेन 45 अंश का मान 1 होता है, तो इसका मतलब यहां कितना हो जाएगा, 1, और यहां भी कितना हो जाएगा, 1 की पावर 4 करेंगे, 1 ही आएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे होता है sec 45, sec 45 अंश का मान √2, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2, माइनस sec की पावर 4 थीटा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, √2 की पावर 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी -2 आ गया। ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ प्लस है, ये भी नहीं होगा। देखिए sec की पावर 4 थीटा का मतलब 4, देखिए sec 45 अंश का मान √2, √2 की पावर 4 करेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर √2 इंटू √2 कर दें तो इसका मान हमेशा कितना है, 2, लेकिन 4 बार है तो इसलिए 4 हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। माइनस का 2 इज इक्वल टू, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है फ्रेंड्स, कौन सा, डी वाला, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, मुझे आई होप कि आप लोगों को पता है कि हिंदी मीडियम, आप लोगों को थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आती होगी, इस बात का ध्यान देना, अगर आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी वाकई में कर रहे हैं तो। और देखिए फ्रेंड्स, मैं बाकी हिंदी में बताता चलूंगा। कह रहा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा कह रहा है अगर न्यून कोण है तो आप सभी लोगों को बताना है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू है, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 5 थीटा का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, कहीं भी साइन थीटा दिखे तो आप सभी लोगों को समझ जाना है कि सीधा सीधा आप लोगों को क्या ले लेना है, थीटा बराबर 90 डिग्री पुट कर दीजिए, थीटा बराबर 90। तो साइन 90 अंश का मान देखे फ्रेंड्स 1 हो जाएगा और कॉसेक 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो देखे फ्रेंड्स, यहां भी आप सभी लोगों का कितना हो जाएगा, 1 की पावर 5 करेंगे 1, यहां भी 1 की पावर 5 करेंगे 1, थीटा बराबर 90 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन। तो देखे फ्रेंड्स, इसी तरीके से शानदार तरीके से आप लोगों को एग्जाम में करना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, इफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल √2 साइन थीटा, देन आपसे कह रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे वैल्यू पुटिंग से करने जाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स मामला नहीं सेट होगा, इस बात का ध्यान देना। तो सीधा सीधा मैं इसको एक्स के बराबर मान लेता हूं, किसके बराबर मान लेता हूं, इज इक्वल एक्स के बराबर। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स, स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन थीटा इज इक्वल, देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी आप सभी लोगों का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का देखिए फ्रेंड्स साइन स्क्वायर थीटा। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, ये आपको बात ध्यान रखनी है। प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स 2 cos थीटा और इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस का देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा।
यही हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पॉजिटिव का 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स एक्स बराबर अगर निकालेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा रूट टू, और कॉस स्क्वायर थीटा है बाहर कर देंगे तो कॉस थीटा, यानी एक्स बराबर रूट टू कॉस थीटा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी वाला, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, इस तरीके से चीजों को आपको कैलकुलेट करना है, इस बात का ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, यहां पे tan a is equal 4/3 है, तब आप सभी लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स जो a का मान है वो देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि 0 से बड़ा या इक्वल है, या आपसे कह रहा है कि 90 से जो है a का मान छोटा है या इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a। अब देखिए फ्रेंड्स tan a, tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है, यानी आपका क्या होता है लंब बटे आधार, यही होता है। तो इसका मतलब ये कितना दिया है 4/3 दिया है, तो परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 3। देखिए फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे 3, 4, 5 ट्रिपलेट, देखिए फ्रेंड्स मैं ट्रिपलेट पे आपको जो है कल शानदार तरीके से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि इवन नंबर का ऑड नंबर का कैसे ट्रिपलेट बनाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहां से आता है, हर एक टॉपिक में जितने भी एडवांस मैथ है उसमें यूज जरूर देखने को मिलता है। तो अगर मैं हाइपोटेनियस की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 5। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन ए, साइन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, लंब बटे कर्ण, यही हो जाएगा, लंब का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कितना हो जाएगा 4/5। 4/5 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स द वैल्यू ऑफ 1 + sin^4a -1 - cos^4a इनटू cosec^2a इज। अब देखिए फ्रेंड्स यहां कुछ करना नहीं है, a बराबर सीधा सीधा 90 डिग्री पुट करिए, यही पुट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का, देखिए कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0, इस बात का ध्यान देना, तो माइनस का 0 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1, तो 1 1 2 2 - 0, यानी 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, यानी आपका डी ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, देखिए फ्रेंड्स जब इस तरीके से आपको वैल्यू दी रहे, वेरिएबल ना दिया रहे, तो आपको तुरंत समझ जाना है सीधा सीधा किससे कर देना है, वैल्यू पुटिंग से कर देना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहां पे क्या कह रहा है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल 4/3 है, थीटा का मान कह रहा है फ्रेंड्स 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो आपसे 5 p cos^2 θ sin θ = cot^2 θ दिया है, तब p की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 4/3, यही है, तो देखिए 4/3 है, तो देखिए कॉट थीटा का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, बेस अपान परपेंडिकुलर, यही होता है, तो ये देखिए फ्रेंड्स बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये आधार हो जाएगा, यही है, आधार बटे लंब होता है, इस बात का ध्यान देना, यानी टेन का उल्टा होता है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का हाइपोटेनियस यानी जो कर्ण है, यानी जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा 5 3 4 5 ट्रिपलेट से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या पूछा है 5p, तो 5p लिख लीजिए कॉस थीटा। अब देखिए फ्रेंड कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स एक आपको डायरेक्ट मैं ट्रिक बताता हूं कि लाल बटे क्या होता है कक्का, क्लियर है, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स आपसे कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 4/5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16/25 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, लंब बटे कर्ण, लंब मतलब 3/5, यही है, तो इंटू 3/5 इज इक्वल, अब कॉट थीटा का मान दिया स्क्वायर कर देंगे तो 4 × 16/9, देखिए फ्रेंड्स 5 से 5 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, देखिए 3 इधर चला जाएगा 25 उधर जाएगा फ्रेंड्स, तो p बराबर कितना हो जाएगा 25/27, कितना हो जाएगा 25/27, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स सेम उसी टाइप का है, ये भी सवाल इस टाइप के काफी सवाल देखने को मिले हैं, कह रहा है cos a = 15/
17 है, तो आपसे कह रहा फ्रेंड्स कॉट 90 माइनस है, कॉट 90, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, टेन थीटा, यानी टेन ए का मान चाहिए। यही है, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना, यानी टेन ए का मान आप सभी लोगों से पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स कॉस ए बराबर कितना दिया है यहाँ से, 15/17, यही है। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो आपका आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 8। देखिए फ्रेंड्स ये भी ट्रिपलेट याद रखना, 8 15 17, इस बात का ध्यान देना, 8 15 17 ये भी ट्रिपलेट होता है, क्लियर है। अब आपसे टेन थीटा बराबर पूछा है, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यानी 8 बटे कितना हो जाएगा, 15। 8/15 ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए वाला, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरीके से चीजों को फ्रेंड्स एग्जाम में कैलकुलेट करना है, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है, इस क्वेश्चन को आप देखते ही कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स जब कभी भी इन दोनों को ऐड हो, ऐड करके 90 डिग्री आए, तो समझ जाना हमेशा 1 है। क्यों, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे बात समझाता हूँ, कि जैसे sin 25 अंश है, sin 25 अंश को आप सभी लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं, साइन आप सभी लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65, यही लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कितना हो जाएगा, कॉस 65। तो ऊपर कॉस 65 है और नीचे भी कॉस 65 है, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब 1 हो गया, तो यहां भी 1 हो जाएगा, लेकिन 5 है तो प्लस का 5। यहां पे देखिए फ्रेंड्स ये दोनों 1 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान देना, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का 3। 5 1 6, 6 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से इसको भी चेंज कर लेंगे फ्रेंड्स, कॉस कितना हो जाएगा यहां से आप सभी लोगों का, 90 माइनस का 19 हो जाएगा, यानी साइन 19 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट थोड़ा सा बातों को समझना है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर आप सभी लोग वीडियो को लाइक किया करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल √11/3, देन द वैल्यू ऑफ, आपसे क्या पूछा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स मैं कहता हूं कि इसका पहले स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। प्लस का देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहां से 2 sin थीटा * cos थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां से 11/9 हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसका मान तो 1 होता है, तो इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, तो 2 sin थीटा * cos थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, 11/9 - 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा और * sin थीटा हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इतने का मान कितना हो जाएगा, 1, यही हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 2/9, यही हो जाएगा, क्योंकि इतने का मान कितना है, 2/9, तो 9 में से 1, 9 91 9, 9 में से 2 के कितना हो जाएगा, 7/9 ये। लेकिन आपसे क्या पूछा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दोनों तरफ रूट ले लीजिए, रूट लेंगे तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स √7/9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, किस तरीके से आपको एग्जाम में लगाना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है, इसमें मैं देखिए फ्रेंड्स मेरी एक 150 जो है शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, सारी वीडियो 7 से 8 मिनट की होगी, वहां पे जाके देखें मैंने फ्रेंड्स कंप्लीट आप सभी लोगों को कोई भी जो है आपका टॉपिक हो बेहतरीन तरीके से मैंने सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज समझा रखा है, जाके देखेंगे बहुत मजा आएगा। देखिए फ्रेंड्स जब कभी भी आपको साइन ए बराबर साइन बी दिया रहे, साइन ए बराबर सॉरी साइन ए बराबर कॉस बी, तभी संभव है फ्रेंड्स जब ए प्लस
बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हो जाएगा 2a और प्लस का 15 इज इक्वल कितना हो जाएगा 90, 15 उधर चला जाएगा तो 2a इज इक्वल 90 से 15 घटा देंगे फ्रेंड्स 75 डिग्री हो जाएगा, यानी इस 75 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 37.5 डिग्री। 37.5 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि इफ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है तो देन एक्सप्रेशन कॉट ए अपॉन कॉट बी प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बी बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस का ए, लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो चलिए फ्रेंड्स इसी पर रख देते हैं। तो ऊपर रहेगा कॉट ए अपॉन कॉट बी, को आप सभी लोग क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस का ए। क्लियर है? कुछ भी लिख सकते हैं प्लस। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो प्लस, यहां से देखिए फ्रेंड्स कॉस स्क्वायर बी की जगह पे क्या रख देंगे 90 माइनस का ए रख देंगे कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर तो कॉट ए हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स टेन थीटा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहां से टेन ए प्लस। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर तो कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर है, तो प्लस का साइन स्क्वायर है, यही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये टेन ए ऊपर चला जाएगा, वन अपॉन टेन ए इज इक्वल होता है कॉट ए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यही हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस का कितना हो जाएगा वन। कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का कॉसेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी बी ऑप्शन। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको एग्जाम में चीजों को कैलकुलेट करना था, इस बात का ध्यान देना। अब बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग से करने जाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इस बात का ध्यान देना, तब मामला वहां पर फंस जाएगा, इसीलिए मैंने आपको ये वाला तरीका बताया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ टेन ए, टेन ए ए इज इक्वल टू अपॉन फाइव दिया है, तो देखिए फ्रेंड्स टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आधार बटे आप सभी लोगों का कितना हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, यही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो है ये पांच है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स हाइपोटेनियस 5 25 और दो दूनी 4, यानी जोड़ देंगे अंडर रूट 29, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस अंडर रूट 29 हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर है, अब देखिए फ्रेंड्स सेक स्क्वायर ए का मतलब कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का, अभी अभी हमने आपको ट्रिक बताया था लाल बटे कक्का, यही है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनियस अपान कितना हो जाएगा बेस, यानी अंडर रूट 29 अपान 5 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर अपान। अब कॉसिक स्क्वायर यानी कर्ण बटे लंब, यही हो जाएगा, यानी अंडर रूट 29 और बटे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसका स्क्वायर करेंगे तो 29 बटे कितना हो जाएगा 25 अपान इसका स्क्वायर करेंगे तो 29 बटे 4, देखिए फ्रेंड्स 29 से तो 29 कैंसिल हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 25। देखिए फ्रेंड्स बीच बीच का गुणा होता है किनारे किनारे का, इस बात का ध्यान देना, इसलिए 4 ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 4 बटे 25, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है इफ के टेन 45 इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल कॉस 60 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ के इज। अब देखिए फ्रेंड्स यहां से कितना हो जाएगा के, टेन 45 अंश का मान 1, साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, यही होता है इज इक्वल। अब देखिए फ्रेंड्स यहां से इक्वल हो जाएगा कॉस 60, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है फ्रेंड्स 1/2 और कॉट 30 अंश का मान √3, तो देखिए फ्रेंड्स √3 से √3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो के बराबर यहां से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1, कितना हो जाएगा 1, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी फ्रेंड्स बड़ा ही आसान सवाल था, इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स ये भी क्या आपसे कह रहा है, कह रहा है कॉस 37 अपॉन साइन 53। देखिए फ्रेंड्स हमने अभी अभी आपको बताया इन दोनों को ऐड करेंगे 90 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 1, और यहां भी देखिए फ्रेंड्स 47 43 को ऐड करेंगे तो 1 रहा 1 - 1, यानी कितना हो जाएगा 0 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी डी ऑप्शन। तो इस बात का ध्यान देना फ्रेंड, जहां ऐड करेंगे आएगा तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले
अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल बड़ा ही बेहतरीन और जबरदस्त है। क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल 1 है, तब आप सभी लोगों से कह रहा फ्रेंड्स कॉस की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 6a का मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा इज इक्वल 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यहां से देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा साइन ए इज इक्वल कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए फ्रेंड्स यहां कॉस की पावर 4 है, तो एक बार इसी को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल कॉस की पावर 4a, हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और इसी का एक बार क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा साइन का क्यूब a इज इक्वल कॉस की पावर 6a, हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब इसी पे पुट कर दो तो इसका मान देखिए फ्रेंड्स कितना आया है साइन स्क्वायर ए, और प्लस का ये कितना आया है साइन का क्यूब ए, आया है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फ्रेंड्स मैं जैसे ही यहाँ पे साइन ए कॉमन कर लेता हूँ, साइन ए कॉमन कर लेंगे तो आपका देखिए फ्रेंड्स क्या बचेगा साइन ए, और प्लस का क्या बचेगा यहाँ से साइन स्क्वायर ए, और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना है 1, तो 1 यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा साइन ए। यानी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा साइन ए, यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बात ध्यान देना, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इस कॉन्सेप्ट पे सवाल खूब पूछा जाता है। जब कभी भी इस टाइप का सवाल दिखे तो आपको कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, sec a माइनस का tan a इज इक्वल क्या दिया है p, यही दिया है, इसी का रिवर्स कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा sec a, और प्लस का कितना हो जाएगा tan a इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/p, हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 2 sec a इज इक्वल, अब देखिए फ्रेंड्स p प्लस 1/p जोड़ देंगे कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p, अब मुझे sec a का मान चाहिए तो देखिए फ्रेंड 2 इधर चला आएगा, तो आंसर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p, sec a का मान कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें यहां पे समझ गए होंगे, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। ये भी सवाल बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है। अब साइन 1 इंटू sec 89 है, जोड़ने पे 90 हो रहा है, इसका मतलब 1 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 2, यहां भी देखिए 11/79 फ्रेंड्स 90 होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का 5, 5 3 8 2 कितना हो जाएगा 10, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जहां जोड़ने पे 90 दिखे आप समझ जाएंगे कि फ्रेंड्स उसका मान 1 होने वाला है। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स बातें यहां पे आप सभी लोग समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोगों की करने की अप्रोच क्या होगी, तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है कि वैल्यू पुटिंग कर लिया जाए। चलिए वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, तो a बराबर देखिए फ्रेंड्स इस बार मैं यहां पे क्या पुट कर देता हूं 30 डिग्री, तो देखिए फ्रेंड 30-60 नहीं करेंगे 120 हो जाएगा, ध्यान देना मुसीबत खड़ी हो जाएगी, 45 मत करिए, सीधा सीधा आपको क्या कर देना है फ्रेंड्स यहाँ पे 30 डिग्री, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों का हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1/√3, यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 + 1/√3, रूट के अंदर है, तो देखिए फ्रेंड रूट 3 से तो रूट 3 कैंसिल ही हो जाना है, तो इसका मतलब हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से सॉरी रूट 3 माइनस 1, यही हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपान हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। अब देखिए फ्रेंड्स इसी के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते, ये रूट के अंदर है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, तो रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 प्लस 1 यही हो जाएगा, तो सॉरी माइनस 1। अब देखिए फ्रेंड्स 3 में से 1 जाएगा तो नीचे 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस का कितना हो जाएगा 2√3, यही तो हो जाएगा अपान। अब यहां देखिए 3 में से 1 चला जाएगा 2, अब 4 4 - 2√2, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 माइनस का रूट 3 अपान कितना बचा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 - √3, अब देखिए फ्रेंड्स 2 - √3 है तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। क्लियर है, इस बात का ध्यान देना, यहाँ पॉजिटिव है, 1 - sin रखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रखेंगे तो 1 - sin 2a मतलब कि sin 60 अंश का मान कितना होता है 1 - √3/2,
टू अपान कॉस 60 अंश का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/2, यही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 उधर चला जाएगा, आप एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2 − √3, यानी एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन सा, डी वाला, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप वैल्यू पुटिंग से कर देंगे फ्रेंड्स तो बड़ी आसानी से यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। बाकी बेसिक से भी करना चाहते हैं तो टेन ए को साइन अपान कॉस लिख लेना, यहाँ भी साइन अपान कॉस, एलसीएम लेके फार्मूला लगाएंगे तो भी आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 sin² + 3 cos² = 4 है, तब आपको cot a का मान बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं लिख सकता हूं 4 sin² लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हां बिल्कुल सर, और प्लस का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3 sin² यही लिख सकता हूं, और प्लस का कितना हो जाएगा 3 cos² और इज इक्वल कितना हो जाएगा 4। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से 3 कॉमन कर लोगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब हो जाएगा 4 sin² इज इक्वल, अब देखिए फ्रेंड्स 3 कॉमन कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी यहां से साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1/4, तो यानी साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यही हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो यानी ए बराबर साइन किसका मान 1/2 होता है, तो फ्रेंड्स किसका होता है, आप सभी लोगों का 30 डिग्री का मान यही होता है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, यहां से हो जाएगा cot 30, ए बराबर 30 डिग्री, cot 30 अंश का मान कितना होता है √3, यानी √3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, थोड़ा सा फ्रेंड्स आप लोग वैल्यू भी चेक कर लिया करिए, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन में, लेकिन देखिए फ्रेंड्स तरीका यही रहेगा, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे पूछा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 16 cosec² θ + 25 sin² θ, यानी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा गया, इस बात का ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स, वैसे भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं निकलता है, इस बात का ध्यान देना, जब निकलेगा मिनिमम ही वैल्यू, दो कंडीशन है, दोनों बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 sin² θ और प्लस का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहां से 16 cosec² θ, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप सभी लोगों का ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन हो तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है 2√ab, और यहीं पे अगर b का मान ग्रेटर देन इक्वल a हो जाता तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू a + b हो जाता, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके लिए ये वाली कंडीशन। तो रख देंगे 2√ab का मतलब हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स 25 × 16, तो यानी कितना हो जाएगा 2 × 5 × 4, 5 × 20 = कितना हो जाएगा 40, इस बात का ध्यान देना, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे 16 दे के यहाँ 25 दे देता तब आप लोगों का a + b हो जाता, ये बात आपको ध्यान से समझनी है, क्लियर है। आई होप कि यहाँ पे समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। कह रहा है इफ cos a + cot a √3 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा, cos a और प्लस का कितना है cot a इज इक्वल कितना दिया है 3 दिया है, यही है। इसी का रिवर्स कर देंगे तो फ्रेंड्स यहां से कितना हो जाएगा, यहां से cos a के माइनस का क्या हो जाएगा cot a इज इक्वल 1/3 हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब यहां से हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का 2 cosec a इज इक्वल कितना हो जाएगा यहां से 3 × 3 = 9 = 10/3, तो 2 से काट देंगे 2 × 5 = 10, यानी 5/3 आ गया cosec का मान। अब देखिए फ्रेंड्स cosec का मान 5/3 और cosec थीटा बराबर होता क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स cosec थीटा बराबर आप सभी लोगों का क्या होता है, आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स ये हाइपोटेनियस है, ये आपका क्या है आपका बेस है, यही तो है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा बेस, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड जो परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। cos थीटा पूछा है तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा 3, आधार बेस 3 है, कर्ण कितना है आप लोगों का 5, तो 3/5, देखिए फ्रेंड्स इसी को डायरेक्ट उल्टा कर देते हैं, इस बात का ध्यान देना, तो कितना हो जाता है 3/5, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहां पे आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही शानदार है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ √1 sin a / 1 − sin a का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड कुछ करना नहीं है, ऐसा सवाल पूछेगा तो आपको मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूं कि कुछ मत करिए, सीधा सीधा रेसिप्रोकल कर दो, 1 इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे 1 माइनस कितना हो जाएगा
देखिए फ्रेंड्स सीधा सीधा इसके संयुग्मी से आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे दिया है देखिए फ्रेंड्स वन माइनस साइन है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ माइनस है तो इसका मतलब ऊपर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, वन प्लस साइन है, यही हो जाएगा। और अपान अपान देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को कितना हो जाएगा यहाँ से, वन प्लस साइन है, हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी वन प्लस साइन ए, बाहर कर लेता हूँ। अपान वन माइन देखिए वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो बाहर कर देंगे कितना हो जाएगा, कॉस ए। वन अपान कॉस ए का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स सेक ए, और साइन ए अपान कॉस ए का मतलब हो जाएगा टेन ए। तो सेक ए प्लस टेन ए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी वाला, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है cos a बराबर 1/11 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो cos a बराबर 1/11 दिया है, यही है। तो इसका मतलब ये आधार हो जाएगा, यानी बेस आधार बटे कितना हो जाएगा, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, यही है आधार बटे कर्ण। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो 11 ग्राम में 121 में से एक घटा देंगे, अंडर रूट 120 हो जाएगा। देखिए चार तिहाई 12 होता है, तो यानी इसका मतलब 2√30 हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब आपसे क्या है, cot a, cot a का मतलब होता है फ्रेंड्स आधार बटे लंब, आधार एक है और लंब कितना हो जाएगा, 2√3, 1/2 √30, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स ये क्या कह रहा, सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है, आसानी से कर लेंगे। cos a बराबर 1/2 दिया है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 180 माइनस a का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका sin a, यही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहां पे नो चेंज होगा, ध्यान देना, यानी sin a का मान बताना है, बड़े आसानी से कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको मैं आप लोगों को सॉल्व कर देता हूं कि इफ साइन ए इज इक्वल टू अपॉन 3 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 माइनस टेन ए और 3 प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स साइन ए का मतलब कितना दिया है आप लोगों को, 2/3, 2/3 का मतलब देखिए लाल यानी क्या हो जाएगा, सॉरी आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स वो ट्रिक मेरे दिमाग में आ गया, लाल बटे कक्का, क्लियर है, ये अपने दिमाग में सेट करना है, यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब यही हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आप लोगों का परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। तो बेस कितना हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स बेस हो जाएगा 3√9 में से 2, 4 घटा देंगे, अंडर रूट 5 हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करना है, 7 माइनस टेन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, देखिए लंब बटे आधार, यही हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कितना हो जाएगा, 2/√5 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यहां से हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स 3 प्लस कॉस ए का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार मतलब कितना हो जाएगा, √5 अपान कितना हो जाएगा, 3, कर्ण तो 3 है, यही। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो यहां हो जाएगा 7√5 माइनस का 2/√5, यही हो जाएगा एक ब्रेकेट में। अगले ब्रेकेट में देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 3√9 प्लस √5/3 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 9 63√5, यही हो जाएगा 63√5, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 √5 5 हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 35 प्लस का 35 माइनस का 2 9 कितना हो जाएगा, 18 और माइनस का कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अपान कितना हो जाएगा, 3√5। देखिए 63√5 से 2√5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 61√5, यही हो जाएगा 61√5, 35 से 18 घटा देंगे प्लस का 17/3√5। अब देखिए फ्रेंड्स इसी को अलग अलग लिख दो, तो √5 से √5 कट जाएगा 61/3 और प्लस कितना हो जाएगा, 17/3√5, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था, सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। आई होप कि अब इतने आसान सवाल आप लोग कर लेंगे, क्लियर है। जैसा कि देखिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रखा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ये भी सवाल देखिए फ्रेंड्स बड़ा ही आसान है, साइन बी बराबर 1/3। चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं कि कह रहा है कि साइन बी बराबर 1/3। तो देखिए फ्रेंड्स साइन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यही है अंडर रूट 3, बेस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 अंडर रूट 3 यानी अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 का मतलब कितना हो जाएगा, 2√2,
यही हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब इसी पे देखिए फ्रेंड्स, रख के कैलकुलेट कर लेंगे, इस बात का ध्यान देना। शायद इसको कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स 1/2 आएगा। अब इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, कर लेंगे कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और फ्रेंड्स बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 39 कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा। साइन स्क्वायर 39 और प्लस का कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 39 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यहां देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है, cos स्क्वायर 35, तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर आप लोगों का sin थीटा हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 35। अब देखिए फ्रेंड्स इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो 1 हो जाएगा धन। अब देखिए tan 25 tan 75 मिलकर 1 बना देगा, तो प्लस का 3 यानी कितना हो जाएगा, 4। 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी सी ऑप्शन। क्लियर है? इसको भी देखिए फ्रेंड्स कन्वर्ट करेंगे तो ये भी कट जाएगा, इस बात का ध्यान देना। यानी 4 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही आसान है, कुछ करना नहीं है। टेन थीटा देखिए सीधा सीधा थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर देंगे, तो टेन 45 कॉट 45 का मान एक ही होता है, 1 1 2। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहां रख देंगे तो ये 2 ही हो जाएगा, यहां रख देंगे तो 3 हो जाएगा, यहां रख देंगे तो 5 ही हो जाएगा। क्लियर है? 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 3 8 2 कितना हो जाएगा, 10। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को करवा चुका हूं, इस बात का ध्यान देना। आप सभी लोगों का दोबारा रिपीट हुआ है तो ये आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूं। क्लियर है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कितना आएगा, √7/3, यही तो हमने बताया था, ये दोबारा रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि दो शिफ्टों में बैक टू बैक पूछा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू, आपसे क्या पूछा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कुल मिला के इसी का मान बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर मैं दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग कर दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे ही मैं कॉस थीटा से भाग करूंगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, टेन थीटा। टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा, √2। 1 उधर चला जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स टेन थीटा इज इक्वल हो जाएगा √2 माइनस का 1, यही हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा इज इक्वल फ्रेंड्स 1/√2 माइनस का 1, लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इसी के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, √2 + 1 अपान क्या हो जाएगा, √2 + 1। तो अब देखिए फ्रेंड्स √2 - 1 एक ब्रेकेट में, √2 + 1 तो यहां, तो नीचे तो 1 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 1, तो बचा √2 + 1, तो 1 - √2। अब प्लस 1 है, साइन चेंज हो जाएगा -1, तो माइनस से माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, माइनस का √2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, यानी ए वाला ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही जबरदस्त है। 2 tan 45 का मान 1 होता है तो 2 हो जाएगा, प्लस कॉस 30 अंश का मान कितना होता है फ्रेंड्स, √3/2। स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3/4। और साइन 60 अंश का मान भी √3/2 होता है, माइनस का 3/4। 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बचेगा, यानी बी वाला ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में हमेशा होमवर्क देता हूं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है फ्रेंड्स, पूरी ईमानदारी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, आप सभी लोग अपने डाउट इस नंबर पे भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो फ्रेंड्स मैं अगला वीडियो उस पे शानदार तरीके से बनाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आप लोग जरूर वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए फ्रेंड्स, आपको यहां से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।